ओम शांति। आज बाबा के 21 अगस्त 2020 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस है। सबसे पहले हम सब उस परम ज्योति का, परम शिक्षक का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, जो हमें हर रोज परम धाम से आकर के बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, अपने मन बुद्धि को सर्वशक्तिवान पर एकाग्र करें, बाबा के स्वरूप को देखते हुए दिल से कह दें, प्यारे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सत्य ज्ञान देकर हमारी आत्म ज्योति को जगा दिया, अपने हृदय का नाद सुनेंगे, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, शुक्रिया। आज शुक्रिया दिवस पर प्यारे बाबा ने हम सबको जीवन जीने की कला सिखाई। जीवन जीना एक कला है। अपने आप से पूछना है, जिंदगी को जी रहे हैं या काट रहे हैं? अगर हम लगता है कि जिंदगी काट रहे हैं, तो आज से परिवर्तित करेंगे कि जीना है तो खुशी से जीना है। उसके लिए बाबा ने मंत्र दिया, मन को सदा मौज में रखो, मौज हर रोज लो। जितना बाबा को याद करेंगे, मन मौज में रहेगा। हर बात में जब आप सकारात्मक रहेंगे, मन मौज में रहेगा, आप कभी मूंझेंगे नहीं। फिर बाबा ने याद दिलाया आज कि जब आप मुरली सुनते हो, आपकी बुद्धि में मुरलीधर बाबा याद रहे, केशव बाबा परम धाम से आकर मुझे पढ़ाते हैं। कभी भी पढ़ाने वाले के नाम रूप को नहीं देखो, निमित्त कोई भी सुनाए, लेकिन मुरली तो शिव बाबा की है। अगर बुद्धि में बाबा याद रहेगा, तो बाबा के द्वारा कही हुई बात याद रहेगी। बाबा ने कहा, कई बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन जिन्हें पक्का निश्चय है, वो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। साथ साथ बाबा ने हमारे जीवन की धारणा पर ध्यान खिंचवाया कि आप बच्चों में जरा भी लालच नहीं होना चाहिए। खान पान भी अनासक्त होकर के खाना है। ऐसे नहीं कि बार बार खाऊं खाऊं ऐसे करके मन में एक हमेशा भोजन की ही भूख रहे, ऐसा नहीं। आवश्यकता प्रमाण शरीर को चलाने के लिए भोजन करना है, आसक्ति से नहीं। ऐसे अपने आप को चेक करना है कि मेरी किसी भी चीज के अंदर कोई आसक्ति तो नहीं। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर के क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई जमा करते रहो। क्वेश्चन, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? चलते चलते कईयों में अहंकार आ जाता है, कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? कई बच्चों में अहंकार आता है कि छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी, बड़ी बहन चली गई, रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को ना देख, बाबा की याद में रह के मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। आजकल तो सब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, घर बैठे सब मुरली सुन रहे हैं। जब हम सेंटर पर आते हैं, तो कभी कभी कईयों के मन में आता है कि आज बड़ी बहन मुरली नहीं सुना रही, छोटी बहन सुना रही है या कोई और सुना रहा है, तो इस चक्कर में आकर के वो कभी मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते, आपको कभी भी ये नहीं देखना कि कौन सुना रहा है, पर किसकी मुरली सुनाई जा रही है। शिव बाबा खुद सुनाते हैं,
निमित्त कोई भी पढ़कर सुनाए महावाक्य शिव बाबा के हैं, हमें पक्का निश्चय होना चाहिए अहंकार में नहीं आना। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता, इतने सब बच्चों का कोई जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता, यह है रूहानी बाप, मतलब सभी रूहों का बाप। शिव बाबा रूहानी बाप है, मीन सभी आत्माओं का पिता है, उनके ढेर बच्चे हैं, बच्चों के लिए टेप मुरली आदि सामग्री है, बच्चे जानते। अब हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, ये भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, पुरुषों से उत्तम है, पुरुषोत्तम है श्री लक्ष्मी नारायण। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष मध्यम और कनिष्ठ होते हैं, आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी होती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है तुम्हें समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं इनको क्यों बिठाया, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं तो कहते हैं इनको क्यों बिठाया, उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। बाबा कल्प वृक्ष का चित्र कह रहे हैं कि उस पर ले आना चाहिए और दिखाना चाहिए, देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में एकदम अंत में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। ब्रह्मा बाबा को नीचे भी दिखाया है उसमें तपस्या करते हुए, झाड़ के अंत में भी दिखाया है। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूं, ये बातें समझाने वाले बहुत अकलमंद चाहिए, एक भी बेअकल निकलता है तो सब बी के का नाम बदनाम हो जाता है। बाबा कहते समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए, क्योंकि एक एक संस्था को रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई ढंग से नहीं समझा पाता तो उनको लगता है कि शायद ये बी के अच्छी तरह से नहीं समझा सकते, पूरा समझाना आता नहीं, भले कंप्लीट पास तो अंत में होते हैं। इस समय 16 कलश संपूर्ण कोई बन ना सके, समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं तो विपरीत बुद्धि ठहरे, इस समय परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे, इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है विजयंती है, जो विपरीत बुद्धि है वो विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते, कर ही क्या सकते हैं, कभी चित्रों को आग लगाने में देरी नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में जब ज्ञान शुरू हुआ बहुत सारे ऐसे विघ्न आए, लोग विरोध करते थे, चित्रों को भी जलाने में देरी नहीं करते थे, बाबा राय भी देते चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं, क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए, बुरी दृष्टि विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बाबा समझाते हैं। कहते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पे समझाया बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाते हैं, वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, मतलब घुटनों के बल चल रहा है जैसे छोटे बच्चे चलते हैं, तो कईयों को लगता है कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो बहुत वर्ष पड़े हैं, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कभी कभी कहते हैं महाभारत लड़ाई का समय है, जरूर भगवान कोई रूप में आया होगा, रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आके प्रवेश करेंगे, उन्हें कहते हैं भाग्यशाली रथ। जिस तन में बाबा आते हैं ज्ञान स्पष्ट करते हैं वो भाग्यशाली रथ है प्रजापिता ब्रह्मा, बाकी वे जन्म नहीं लेते हैं, शिव बाबा अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं हमारे सदृश, इनके ही बाजू में बैठ के ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में उनके साथ बैठकर ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता, त्रिमूर्ति चित्र भी है, त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है, बाबा ने कहा जब त्रिमूर्ति नाम रखा है तो जरूर कर्तव्य कुछ किया है,
ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ये जो बातें समझाता हूं तुम्हें धारण करनी है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में क्या ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके? बहुत जगह मिलकर चलाते हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंचा है, चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहीं चली गई, रूठ कर बैठ जाते हैं पढ़ाने वाली टीचर को, ब्राह्मणी कहते हैं। अगर वो कहीं चली जाती है तो क्लास वाले कई बार रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं, ये तो अपना ही कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं, औरों का भी। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन जाए। अटेंशन देंगे, सच्ची कमाई करनी है जिससे जीवन हीरे जैसा बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है, वो है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए, ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? क्या आपस में क्लास नहीं चला सकते? रड़ी नहीं मारनी चाहिए? बाबा कहते गन्ने में टीचर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलके भी क्लास चलानी है, बाबा की मुरली से प्रीत रखनी है। ऐसे नहीं कि निमित्त टीचर कहीं चली गई तो हम मुरली ही छोड़ दें, नहीं, आपस में मिलकर क्लास चलाएं। कम से कम इतना जरूर हम बाबा से वायदा करें कि हम बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कईयों में अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालिकियां क्या समझाएंगी, माया के विघ्न बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पे नहीं समझाएंगे, वो तो सागर है, उछाले मारते रहेंगे, कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों को। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ये बाप भी सुना सकते हैं, ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं, परंतु बच्चों का बुद्धियोग शिव बाबा की तरफ रहे। इसलिए हमेशा कहते हैं समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें सुनाते हैं। बुद्धि में याद करना है, शिव बाबा को ही याद करो। बाबा परम धाम से आए हैं, हमें मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आके सुनाते, समझो शिव बाबा इस तन में आके हमें मुरली सुना रहे हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा शिव बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं, ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति बुद्धि में रहे तो याद की यात्रा रहेगी, परंतु यहां बैठे भी बहुतों का बुद्धियोग इधर उधर चला जाता है। यहां तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बाबा के सामने बैठे हैं, बुद्धियोग शिव बाबा से लगा रहे, अगर वहां नहीं तो अपना गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में याद रहता है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धियोग कहाँ चला गया? चेक करो, मुरली सुनते बुद्धि कहाँ चली गई, अपनी बुद्धि को वापस लाओ। ऐसे बहुतों का बुद्धियोग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों में इतना ख्याल नहीं रहता, कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। ये ज्ञान अंदर का है, ध्यान रहे मुरली शिव बाबा की है, बाबा सुना रहे हैं। बुद्धि में महाज्योति शिव बाबा याद रहने चाहिए। कई बाबा को भूल जाते हैं, सुनाने वाले का नाम रूप याद रहता है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं कि फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। पक्का कर लेना, आज कूट कूट कर हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये याद में रहने की युक्तियां हैं, ऐसे नहीं जितना हम मुरली सुनते हैं वो याद में ही है, जितनी देर सुनते हैं पूरा समय कोई बुद्धि योग बाबा से लगा रहता है या याद रहती है, नहीं। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहां कहां बाहर में चली जाती,
खेती बाड़ी याद रहती है, बुद्धियों कहीं बाहर नहीं भटकना चाहिए, घर बार में खेती बाड़ी में वहां बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात भी आ जाते हैं, बीच बीच में माया भी आ जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा, सब थोड़ा ही आज की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण ये सब अपने में देखना है, खुद को खुद चेक करना है। ज्ञान योग धारणा दिव्य गुण सब अपने आप में देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं हो जाता। ध्यान देंगे, चलते चलते भी हमसे कई विकर्म हो जाते हैं, कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है तो माया प्रवेश हो जाती है। भूतों में लालच का भूत आ जाता है, माया प्रवेश हो जाती, जो भूख भूक करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार कैसे होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, भोग लगा हुआ होना चाहिए, वक्त पर लेना चाहिए, बार बार नहीं, अति में नहीं जाना है, खाना भी कायदे अनुसार। ढेर बच्चे हैं, बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को कहता हूं तुम ब्राह्मण बनकर बैठो, माताओं को आगे रखा जाता, शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, खुद को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, ये बातें नया कोई तो समझ ना सके। स्वदर्शन आत्मदर्शन, हम क्या थे क्या बन गए, किस तरह से हम देव कुल में फिर धीरे धीरे नीचे आ गए, ये बातें तुम बच्चे समझते हो। तुम वो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, ये फिर इन सब को कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं किया जाता। स्वदर्शन चक्र भक्ति मार्ग में विष्णु जी के हाथ में दिखाया, श्री कृष्ण जी के हाथ में दिखाया। बाबा कहते वास्तव में आप ब्राह्मणों के लिए है कि आपको स्वदर्शन करते उन्नति को पाना है। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं, क्या हम बेसमझ हैं जो हमें नहीं आने दिया जाता। नियम है, पहले कोई कोर्स करता है, फिर मुरली क्लास में आता है, कोई डायरेक्ट आ जाएगा, फिर वो ऐसी बात सुनेगा कि स्वदर्शन चक्र की बात सुना रहे हैं कि वो हमारा है, तो वो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे कैसे हो सकते हैं, तो देवी देवताओं के अलंकार हैं। तो बाबा कहते ऐसे कुछ लोग बिगड़ पड़ते हैं कि क्या हम बेसमझ जो हमें आने नहीं दिया जाता, क्योंकि और सत्संगों में ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहां तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं, वो सुनना तो हर एक का हक है, कोई भी सुन सकता है, यहाँ पर तो कोई भी आता है डायरेक्ट मुरली क्लास में आए तो उनको कहा जाता है पहले कोर्स करो। तो बाबा कहते कि यहाँ पर ऐसे कईयों को फिर बड़ा ऑड सा लगता है कि हमें क्लास में से क्यों उठा दिया गया, कोर्स के लिए कहा गया, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है तो बिगड़ पड़ते हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता वो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है, इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है, नई दुनिया स्थापन करनी है। कोई कोई को माया बहुत तंग करती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं, भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को कोई छोड़ दे तो उसे कहते हैं महामूर्ख। भगवान का बनकर कोई उसका हाथ छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, उसको कहते हैं महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़े कभी छोड़ना चाहिए, वायदा करना है जब तक जिएंगे बाबा की मुरली कभी नहीं छोड़ेंगे, पहले मुरली सुनेंगे बाद में ही कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐसा पक्का वायदा होना चाहिए। गीत भी है, प्यार करो या ठुकराओ आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे, बाबा आए हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं, बाबा हमें बादशाही देने आए हैं, छोड़ने की बात नहीं, हाँ लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं या हमें बहुत तंग करते हैं, आजकल लोग बहुत बहुत खराब है, बहुत संभाल रखनी है,
भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है, सुरक्षा करनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाबा से वर्षा लेना है। कोई कोई गलत दृष्टिवृत्ति से आते हैं तो बहुत संभाल करनी है। बाबा को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद कम हो जाता है, संशय आ गया पद कम हो जाएगा। ज्ञान एक एक ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब भक्ति। भले कोई कितना अपने को ज्ञानी समझे, बाबा कहते सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसे कहा जाता मनुष्य नहीं जानते। सत्य ज्ञान है स्वयं का, परम पिता का, कोई भी इसको नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ध्यान रखना है मुरली सुनते समय बुद्धियों कहीं बाहर तो नहीं भटकता। स्मृति रहे, हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, ये याद की यात्रा है। स्मृति रहे, हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, ये याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है, हमारे में ज्ञान योग दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। ध्यान रखना, भोजन सीमित हो, वक्त पर हो, आसक्ति से नहीं खाना, शरीर को चलाने के लिए वरदान है। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि के लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सब बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। इसके द्वारा आप तीनों लोकों में, साकार लोक, सूक्ष्म लोक, परम धाम, तीनों में जब चाहो पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, सेकंड में पहुंच जाएंगे। जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अमृत वेले स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो। अथॉरिटी होकर लिफ्ट को कार्य में लगाओ, सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। सरल शब्दों में, हमें जो दिव्य बुद्धि मिली है उसके द्वारा तीनों लोकों की सैर करनी है। जब चाहे जहां चाहे अपने मन को टिका सकें। स्लोगन है, मन को सदा मोज में रखना, ये जीवन जीने की कला है। मन को मोज में रखना जीवन जीने की कला है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मुझे इस ब्राह्मण जीवन में सदा मोज में रहना है। मन की मोज, जहां भी उलझन आए तुरंत याद करें, स्वयं भगवान ने मुझे जीने की कला सिखाई है, मुझे सदा मोज में रहना है। कहीं पर भी मूंछना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। भोजन भी ईश्वरीय प्रसाद समझकर ग्रहण करना है, अनासक्त भाव से। ओम शांति, ओम शांति। और अब एक खुशखबरी, जैसे पिछले जुलाई मास में 3 दिन की योग भट्टी चली थी, ऐसे ही अब 21 अगस्त से 25 अगस्त तक फिर से 5 दिवसीय योग भट्टी शुरू की जा रही है। समय रहेगा रोजाना अमृत वेले के समय प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक। सभी भाई बहनें इसका लाभ जरूर लें। ओम शांति। ज्ञान योग से जुड़े कुछ प्रश्नों के जवाब सुनने के लिए यह वीडियो जरूर सुनें।